हेलो फ्रेंड्स, आप सबका दिल से स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये एप्सन का एक नया प्रिंटर आया है L1800। तो इसका अनपैकेज कर रहे हैं, ये दोनों भाई लगे हुए हैं अनपैकेज करने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इंक का डब्बा बस सब यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये अभी अनपैकेज करेंगे इसको पन्नी से। ये भाई हमारा प्रिंटर आ गया, देख सकते कितना भारी है। भाई का पन्नी भी एकदम देख सकते हैं टाइट एकदम आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये गाइस, ये हमारा ऐसा लुक आएगा एप्सन का। ये इसके इंक है, तो गाइस ये रहा प्रिंटर का केबल और इसका USB केबल रहा और पावर केबल ये रहा। और गाइस ये देख सकते हैं, ये पूरा इतना सेफ्टी के साथ भेजा है कंपनी वालों ने। ये ब्लू वाला जो टेप है, ब्लू वाला टेप ये मतलब कि खुलने नहीं देता है इसको। ये हमारे दोनों भाई देख सकते हैं यहाँ पे। भाई से सवर नहीं हो रहा है, तो हेलमेट भी नहीं खोला है अभी तक। ये भाई तो एकदम फटाफट एकदम फास्ट तरीके से एकदम मतलब इंक का बोतल खोले जा रहे हैं। अभी हम इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे किस तरह से आपको इंक फिलिंग करना है वगैरह वगैरह। ये देख सकते हैं सिल्वर कलर का जो रैपर है, इस रैपर को हम निकाल देंगे जिससे कि हम यहाँ पे डाल पाए जल्दी से। हाँ, और देख सकते हैं ये खोलने के बाद यहाँ पे इंक को डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसको थोड़ा सा एक जैसे जैसे मोबिल वगैरह डालते हैं चेन मतलब साइकिल में बाइक में, तो सेम वैसा कुछ बना हुआ है यहाँ पे। तो गाइस अभी इसको बंद कर लेते हैं कि गलती से गिर ना जाए। गिर जाएगा तो भाई ये तुम्हारा टेबल खराब हो सकता है, बिस्तर खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा कैसे कितना चमक रहा है। कंपनी एकदम बहुत अच्छे से पैकिंग करके भेजती है, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं यहाँ पे आप कुछ चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह ये सब मैं हाइड कर दूंगा फॉर माय सिक्योरिटी रीज़न। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंक कैसे डालना होता है। ये एकदम यहाँ पे मिला के फिर उसके बाद तुरंत उसको मोड़ देना है जिससे कि इंक बाहर ना गिरे। और ये भाई देख सकते हैं, ये भाई हमारे सीधा दबा दबा के प्रेशर से यहाँ पे भर रहे हैं। पावर के लिए हमारा पुराना पावर केबल दे रहे हैं, नया वाला वो लोग ले जाएंगे। ये रहा हमारा पुराना, नया है लेकिन ये थोड़ा पैकेट में था, इस वजह से मैंने बोला कि ये वाला नया है और ये वाला 4-5 दिन पहले पुराना है। तो गाइस ये हमारे भाई ने यहाँ पे ऑन कर दिया है इसको, और ये हमारे भाई यहाँ पे इंक डाल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इंक डालने का सबसे पहले का तरीका क्या है, आपको यहाँ पे कोड देख लेना है। तो गाइस देख सकते हैं एप्सन 673 LC, ये LC का मतलब होता है लाइट सियान, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एप्सन 673, ये मतलब कि 673 कलर का कोड है। और यहाँ पे LM का मतलब है लाइट मेजेंटा। तो गाइस यहाँ पे जैसा जैसा कोड है तो सेम टू सेम वैसा ही आपको यहाँ पे कोड देख लेना और उसी में डाल देना है। तो अगर आप यहाँ से कोई सा भी कलर अगर मिसमैच अगर कर देंगे तो आपका प्रिंटर में क्या होगा, जहाँ पर रेड फेंकना होगा तो वहाँ पर आपका ब्लैक फेंकेगा, और जहाँ पर ब्लैक फेंकना होगा वहाँ पर ब्लू फेंकेगा। तो गाइस यहाँ पर कलर कोड के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने कलर कोड के हिसाब से नहीं डाला तो आपका कलर कॉम्बिनेशन वहाँ पे गलत आएगा, वहाँ पे आपका प्रिंटर खराब नहीं होगा लेकिन आपका कलर कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। जो कलर वाला लाइट आएगी, क्यों सर ऐसा ही है ना, क्वालिटी दबाती है। हाँ तो क्वालिटी भी खराब आएगा। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हमने ये प्रिंटर को ऑन कर लिया है, और जो ये हमारा लाइट जो ब्लिंक कर रहा है ये ऑटो, ये कम से कम 15 मिनट तक ये आपका ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जो हम इंक जो डाल रहे हैं ये इंक यहाँ से ये
देख सकते हैं इंक पाइप के थ्रू पूरा हेड तक जाएगा। ये हेड इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, हेड किसको बोलते हैं गाइस, हेड इसको बोलते हैं। ये इंक वहाँ से मतलब कि टैंक, इंक टैंक से लेकर यहाँ से पाइप थ्रू ये हेड में आएगा, और हेड में जाने के बाद फिर उसके बाद आपका प्रिंट पूरा मतलब कि प्रिंटर पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके पास वाले बेल आइकन पर दबा देना, ताकि जैसे कोई नया अपडेट करो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तब तक के लिए बाय बाय।